उद्देश्य है कोई? मेरा एक ही उद्देश्य है कि देश के युवा और देश के सभी व्यक्ति प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद के साथ साथ उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, उनके विचारों के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े और प्रभु श्री राम के विचारों के साथ राष्ट्र निर्माण, समाज कल्याण में अपना सकारात्मक योगदान और सुझाव दें। जो 550 सालों से बाबर के टाइम में जो गिरा था मंदिर, उस टाइम से हमारे राम नगर के ऊपर जो धूल मट्टी या गंज चढ़ा हुआ है, जो जो चीज़ों से पूजा होती थी तो वो सब धुलने के लिए मैं 5 बड़े तीर्थ क्षेत्र से अपने तीर्थ भवन के जल लाया हूँ। चटनी और चावल और रोटी मैं चटनी से खाई है, चटनी भी ऐसी हो रही है, मिर्ची मिर्ची हो रहा है और पानी के साथ आज पानी भी लेता हूँ यार, अब पेट भर लेता हूँ पानी पी के। भाई को उठाने चल रहे सोए हैं, वरना हम निकल जा रहे हैं यहाँ से। उठते हैं तो ठीक है, नहीं उठते तो वो भी ठीक है। हम लोग प्यार हो गए, चलना है तो चल रहा है, नहीं तो हम लोग तो चल रहे हैं, तो आने से फैला के रखा है, हम लोग तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं भाई। अब रासा भाई को फोन वगैरह दे देता हूँ, उठ गए मतलब नींद की हालत में, तो आगे का ब्लॉग यही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार मॉर्निंग हो गई है, भाई लोगों ने उठा दिया है और रात को नींद तो बड़ी सही आई थी और गर्मी हो रही थी पूरे यहाँ पर टेंट पे। तो चलो दिखाता हूँ आपको कुछ कहाँ सोया था मैं और कहाँ पर मैंने अपनी साइकिल्स खड़ी करी है, कैसे सोए थे। चलो मेरे साथ, ये खड़ी है मेरी साइकिल और ये खड़ी है मोहनदा की साइकिल और ये खड़ी है एमजे की साइकिल। तो कल रात हमें मिले हैं पैदल यात्री गौरव भाई यहाँ पर। गौरव भाई हेलो, कैसी थी रात? बहुत ही दर्दमय रही। अच्छा ऐसा क्यों? कमर दर्द। हाँ आओ, पैदल यात्रा कर रहे हो यार, ये बड़ा सौभाग्य है कि आप अयोध्या आए हो पैदल चलते हुए। देहरादून से आए हुए हैं, इतनी यात्रा पद यात्रा करते करके आए हुए हैं, देहरादून भी काफ़ी दूर है यहाँ से। तो चलो दिखाता हूँ आपको कि कल रात में कहाँ सोया था और व्यवस्था कैसी थी यहाँ रहने की। तो ये रही जगह, यहाँ पर हम कल रात हमने रात्रि विश्राम करा था, कम से कम 200 से 300 के लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हैं और रात्रि विश्राम हमने कल यहाँ करा था। हम कल यहाँ सोए थे और ये बैग्स हमारे सब यहाँ पड़े हुए हैं। तो चलो इनको लपेटते हैं और चलते हैं इसी प्रभु की नगरी को, अयोध्या की तरफ। जय जय सियाराम, जय सियाराम। तो ये रहा मेरी साइकिल और मैंने कर दिया इसको पैक। ये देखिए झंडा लहराते हुए यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पैक। मोहनदा कर रहे हैं अपनी साइकिल पैक और मनोज भाई लगे हुए हैं अपनी साइकिल पैकिंग में। बाबा जी कहाँ से हैं? हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आए? पैदल? पैदल नहीं आए, फिर ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। अयोध्या की जो यात्रा होने वाली है आज, अयोध्या में कल रात्रि पहुंच गए थे और मैं यहां पर आपको दिखा भी दिया है इसमें वीडियो पे कि हम कहां रुके थे और कहां पर हमने खाने पीने की व्यवस्था जो हमारी है वो कहां पर हो रही है। तो बहुत बढ़िया यहां पर इंतज़ाम था। तो लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि अभी यहां से आप चले जाइए, 24 घंटे के अंदर अंदर इसको खाली करना पड़ेगा। तो पहले इन्हें बताया नहीं था कि 24 घंटे वाला बताया नहीं था, लेकिन अब 24 घंटे में कोई दूसरा आएंगे यहां पर, फिर वो भी 24 घंटे तक रुकेंगे, तो हमें ऐसे आगे बढ़ते रहना है। तो चलो दिखाते हैं आपको अयोध्या नगरी को कि अयोध्या नगरी कैसी सजी हुई है, क्या है यहां पर चल रहा है, क्या कुछ यहां पर हो रहा है, वो सब आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो नए हैं मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें जय सियाराम। निकल रहे हैं पंचवटी आश्रय से और यहाँ पर पंचवटी आश्रय में हमें कल रात रुकने का मौका मिला था और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे आगे को, क्योंकि अभी 24 घंटे का ही समय मिल रहा है यही जगह में रहने के लिए। तो अभी आप आगे को निकलते हैं और फिर आपको ड्यूटी क्लिप्स दिखाते हैं। तो चलो मिलते हैं आगे। तो क्या है कि हम अपने जैसी साइकिल बाहर को हमने बैग बैग करके बाहर को लेके चले गए, तो वहाँ पर से सर लोगों ने मोहनदा गए थे बात करने के लिए सर लोगों से। अब आपको पता ही है मोहनदा का सीन क्या है, तो वही ठीक हो गया। और आप लोग को तुमने बोला था, उन लोगों से बोला हुआ है जो हम बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हैं और ऐसे कचरा उचरा कर रहे हैं, आप रहो वहीं पर आराम से, साइकिल हम फिर से ही लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे फिर से। तो पूरी नगरी सजने वाली है, देखो फूलों से फूल ही फूल हैं यहाँ पर, पूरी नगरी अयोध्या की आधी सज गई है और आधी और बची है, तो पूरी नगरी यहाँ पर सजेगी। कुछ यहाँ पर रिकॉर्डर्स, तो यार ये देखो ये रही अपने मोहनदा की साइकिल और बाकी ये भैया लोगों की। तो सिनेमैटिक शॉट वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं इधर से, बाकी मोहनदा भी आगे पता करने गए हैं वहाँ पे क्या व्यवस्था है। फिर हो गया
क्यूट टेंशन हो, चुपचाप वहीं पड़े रहो, कोई कुछ नहीं होने वाला, साइकिल पर ही रहने देते हैं। चलो चलो, कैसा फील हो रहा है फिर आपको? फील तो देखो, अभी तक हमने सामान बांधा अपनी साइकिल में, अब हम सामान अपनी साइकिल से निकालेंगे, अब जो निकालने में फील होगा आपको वीडियो में पता चलेगा। जहाँ पर हम रुके थे कल रात, रात्रि विश्राम जहाँ पर हमने किया था, वहाँ से निकल के अभी हम आ चुके हैं ये घाट पे। घाट का नाम आपको नीचे दिख रहा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ साइकिलिस्ट खड़े हुए हैं, तो हम भी यहाँ सोच रहे कि टेंट वेंट गाड़ के अपना यहीं पर ही हम पूरी मतलब 4-5 दिन तक यहीं मस्ती वस्ती करते हैं, और एक आध जना टेंट पर रहेगा और 2-3 जने फोटो कैप्चरिंग करेंगे, फिर उसके बाद ऐसी बारी लगाते रहते हैं। तो चलो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, मिलता नहीं मिलता कुछ। सोच रहे हैं कि हम कैंपिंग करने की यहाँ पर कहीं पर सोच रहे हैं कैंपिंग करने की, क्योंकि यहाँ कुछ साइकिलिस्ट भी दिख रहे हैं और ये पूरे घाट का नज़ारा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन रंजन हुआ, और दिल्ली से साइकिल यात्रा करते हुए अयोध्या आए हैं परशु राम के दर्शन के लिए। कितने किलोमीटर हो गया है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर, और अब ये साइकिल से आए हैं? ये साइकिल से आए हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई उद्देश्य है? कोई मेरा एक ही उद्देश्य है कि देश के युवा और देश के सभी व्यक्ति परशु राम का आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद के साथ साथ उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें, उनके विचारों के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, और प्रभु श्री राम के विचारों के साथ राष्ट्र निर्माण समाज कल्याण में अपना सकारात्मक योगदान और सुझाव दें। धन्यवाद भाई, जय श्री राम। मोटरसाइकिल से पूरा अपना सेटअप करके श्री राम जी की मूर्ति और छत्रपति शिवाजी की, शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा के, वो जो अदृश्य स्थिति में है उनको गले भेंट हो जाएगी, तो ये मिट्टी में मिला देंगे, तो मेरे को लगेगा कि भाई हमारे राजा और हमारे भगवान एक दूसरे को मिल गए इसलिए लेके आए हो। फिर दूसरी बात ये है, आते टाइम और एक नियोजन करके आया हूँ, जो 550 सालों से बाबर के टाइम में जो गिरा था मंदिर, उस टाइम से हमारे रामनगर के ऊपर जो धूल मट्टी या गंज चढ़ा हुआ है, जो चीज़ों से पूजा होती थी, तो वो सब धुलने के लिए मैं 5 बड़े तीर्थ क्षेत्र से अपने तीर्थ भवन के जल लाया हूँ, गोदावरी नर्मदा सिंध कावे सिंध। जय श्री राम। कुछ ही क्षणों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं। जय श्री राम। योगी जी कुछ ही पलों में पधार रहे हैं यहाँ पर देखिए पीछे, यहाँ पर पधारेंगे। Yeah.
सूरज अपने धाम पधारे हैं। तो खाने हम बैठ गए हैं और ये अपने मोहनदा खा रहे हैं खाना, और मनोज भाई, और ये है गौरव भाई, ये भी अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं। चटनी के साथ खा रहा हूँ यार, दाल पूरी जली हुई भयंकर, मेरा वैसे दिमाग खराब। गोभी की सब्जी देखो, गोभी की सब्जी ना आलू गोभी है, तरी वाली तो मतलब चलो तरी वाली भी है जैसे भी है, गोभी के टुकड़े ही नहीं दिख रहे भाई सब, जो गोभी का जो हरे पत्ते में वो नहीं रहता वाइट वाइट सा, वो डाला है बस। ये रहा मेरा खाना, चटनी और चावल और रोटी, मैं चटनी से खाई है, चटनी भी ऐसी हो रही है मिर्ची मिर्ची हो रहा है, और पानी के साथ आज पानी पी लेता हूँ यार, अब पेट भर लेता हूँ पानी पी के। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया खाने को। ये दाल ऐसी है, ये ऐसी है, आपने कभी मेरी थाली में ऐसी भरी हुई चीज़ें नहीं देखी होंगी, जब मैं आपको दिखाता हूँ मैं पूरा तो सुबह चट करता हूँ और बाद में दिखाता हूँ, लेकिन खाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या बोलूँगा यार मैं। ये सबसे 12 दिन में सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा है खाने का। Thank you.